राउंड अबाउट है, पूरा टर्न खा गया भाई मैं, पूरा 360 घूम गया इसका। यहाँ रख रखी है, देख रहे हो कितना बड़ा है, जो कि आपको दिखा नहीं पा रहा था। पूरा माइक चलना बंद हो गया यार। चलो ये लगवाया अपना इंस्टा का स्टिकर मैंने यहाँ पे, थोड़ा मुझे लग रहा है रेड करवाना चाहिए था। क्या हाल चल गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज कुछ ऐसा प्लान नहीं है छोटा, शाम को 4 बजे राइड पर नहीं जा रहा, बस करोल बाग तक जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ आपको पता लगेगा। इस पर कुछ काम करवाना है अपने हेलमेट पे, कुछ नया ऐड ऑन करवा रहे हैं नया ऐसे ही, जो कि ट्रिप पे हमारे बहुत यूज़फुल होगा सुमित भाई और मेरे। और मेरे साथ, मैं अभी यहाँ से सुमित भाई के घर ही जाऊँगा पहले। अब ये नहीं पता कि वो मेरे साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बट मुझे तो करोल बाग जाना पड़ेगा स्पेशली, क्योंकि देखो कल अपना राइड है, कल अपना 200 किलोमीटर का राइड है। ये आई थिंक आप ब्लॉग संडे देख रहे होंगे, तो मैं संडे की बात ही कर रहा हूँ। संडे मेरा 200 किलोमीटर का राइड है अप डाउन टोटल, तो मैं आपको बताऊँगा बाद में कहाँ जा रहा हूँ। सो भाई लोग, अपनी बाइक पर आ गया था मैं, और चलते हैं यहाँ से पहले सुमित भाई के घर निकलूँगा मैं, उसके बाद करोल बाग निकलूँगा, क्योंकि जो चीज़ लगवानी है इसमें मुझे वो उन्हीं के पास से, वो लेके आए थे करोल बाग से परसों, तो उनसे लेते हुए निकलेंगे या वो भी साथ में चलेंगे। और मेरी बाइक देख सकते हो काफ़ी गंदी हो रखी है यार, मतलब क्या बताऊँ इसे, मैं परसों ही साफ़ करा मैंने इसे यार, उसके बावजूद भाई मिट्टी उड़ के ना धब्बे पड़ जाते हैं भाई। और दूसरा मेरा कि मिरर थोड़ा हिल रहा है, इसको मैं टाइट करवाना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा आना पड़ा था। और यहाँ पे जाम हर बार देरी हो जाती है मुझे यार निकलते हुए ना, और अभी देना है बाइक को खाना, इसको लगी है भूख भाई बड़ी तेज़। तो भाई शाम के भाई 4:15 हो रहे हैं भाई, और तुम देख लो धूप कितनी तेज़ है भाई, मुझे मतलब शाम को भी मुझे ये पहन के निकलना पड़ा अपने घर से बाहर ये, और इसके बिना मैं निकला था, मतलब मैंने सोचा कि रख लेता हूँ जरूरत पड़ी तो पहनूंगा, बट यार बहुत हाथ जल रहे थे जब चला रहा था ना बाइक बहुत ज़्यादा, मैंने कहा पहन ही लो ज़्यादा बेटर है। भाई भाई की गाड़ी जा रही है तो ओके, खड़ी होगी कि कोने वोने में भाई, तभी जा रही है ऐसे, और खड़ी करो भाई कोने कोने में, क्या दिक्कत है। रेड लाइट को टाइमिंग ही नहीं है भाई, अन्नू ने बिल्कुल ही सब खड़े हैं बस आँख बंद करके कि भाई कब ग्रीन होगी और कब चलेंगे, सामने देखो कुछ भाई टाइमिंग ही नहीं है भाई, टाइमर ही नहीं है क्या यार। हाँ तो भाई मैं ये बता रहा था, मेरे को सुमित भाई से पिकअप कर लिया, बट वो घर पे नहीं थे तो उनके घर से पिक करा मैंने एक्चुअली। अब मैं अकेले जा रहा हूँ करोल बाग, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं फटाफट, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, आधा घंटे का रास्ता है बस। बीच में ब्रेक लिया था, वाटर ब्रेक लिया था छोटा सा यार, यहाँ ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी भाई, हद से ज़्यादा गर्मी हो रखी है उस टाइम पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो सुमित भाई से मैंने लिया है वो क्या चीज़ है। तो देखो बेसिकली मैंने इंटरकॉम लिया है, ठीक है, वी नेक फ़ोन कैमेरा V6 वाला, तो मैंने ये ख़रीदा है करोल बाग से, सुमित भाई से मंगवाया था मैंने, तो अब हम इसको यूज़ करा करेंगे, तो क्योंकि देखो हम जब ट्रिप पे जाते हैं ना तो हमें दिक्कत रहता है थोड़ा सा, तो बस यही था, इसको लगवाना चाह रहा हूँ, कुछ मैं करोल बाग के आसपास मिलता हूँ, तब तक टाटा यार। तो ये है भाई अपने सेंट्रल दिल्ली की रेड लाइट भाई, शाम को ट्रैफिक के टाइम पे ऐसी रेड लाइट होती है भाई जाम वाली यार, कुछ भी कर लो तुम, ऑफिस टाइमिंग भी कह लो, वैसे सैटरडे है तो पब्लिक बाहर निकली है थोड़ा घूमने फिरने, कुछ भी कह सकते हो आप यार, जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ से मुझे लगेंगे पहुँचने में बस 15-20 मिनट और, अब बस ये रेड लाइट क्रॉस कर लो एक बार फिर 15 मिनट अभी तो। सो बस यहाँ से 11 मिनट का और रह गया, 2-2.5 किलोमीटर, अब सोचो मुझे 2 किलोमीटर करने में 11 मिनट लग रहे हैं भाई, बस 11 मिनट, कितने कम है ना भाई। मैं बहुत देर से थर्ड एग्जिट ले जा रहा हूँ भाई, गूगल मैप्स की बात मान रहा हूँ, मैंने कन्फ्यूज़ कर दिया, मैं पूरा ये जो राउंड अबाउट है पूरा टर्न खा गया भाई मैं, पूरा 360 घूम गया इसका, और मुझे वहीं पर लेफ्ट टर्न लेना था सेकेंड वाला, बट मैं नहीं लिया। तो भाई ये मैं करोल बाग तो पहुँच चुका हूँ, बस अब मुझे दुकान ढूँढनी उनकी यार, सुमित भाई ने बताया था कि कोई चोपड़ा करके है उसके बगल में दुकान है, वहाँ से लगवाया था भाई, बड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, बस यही दिक्कत रहती है करोल बाग की, ट्रैफिक बहुत होता है यार। अरे हट जाओ भाई, ये तो वही बात हो गई, कोई भी कहीं से घुस रहा है यार, कोई ना लेफ्ट देख रहा ना राइट, ना राइट देख रहा ना पीछे देख रहा भाई। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे लगवाते अपना इंटरकॉम, फिर चलते हैं घर। क्या भैया, हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे राइडर स्टैंड पे आ गया था अपना ये इंटरकॉम लगवाने भाई से, परसों सुबह भाई इनसे लगा के गए और एक फ्यूज ही गया मेरा,
तो मेरे कैमरा में जैसे बता हेलमेट में जैसे बता रहा था कि बहुत सारे तारे, तो आपको दिखाता हूँ। बस तारे तारे थी ये भाई ने निकाल के यहाँ रख रखी है, देख रहे हो कितना बड़ा है, जो कि आपको दिखा नहीं पा रहा था। अब जब खुला है तो दिखा रहा हूँ, अभी दोबारा कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी, बट इंटरकॉम तो लगाना ही है ना, तो इंटरकॉम अपना ऐसा है कुछ, इसमें आपका हेडसेट भी है और हेडसेट के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपका हेडसेट पूरा है, गाने वाने सुनो, ब्लूटूथ बात करो, सब मस्त है। ये जो मैंने लगा रखे अपने एम आई के जो ईयरबड्स है, नेक बैंड, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी बिल्कुल भी। अब बस नीड ख़त्म इसकी, अब से सिर्फ इसी में साउंड सुन करेंगे, सब कुछ इसी में होगा। भाई ये मैंने लगवा तो लिया अपना इंटरकॉम, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, साउंड भी अच्छा है और म्यूज़िक क्वालिटी बढ़िया आ रहा है। तो प्रॉब्लम हो गया जो मेरा माइक देख रहे हो, माइक चलना बंद हो गया यार, तो तारा भी जुगाड़ लगा रखी थी अंदर मैंने, वो मेरी बेकार हो गई, मेरी बेकार ना हो जाए क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो चुका है, इसमें वर्क नहीं कर रहा, तो मुझे कुछ और सोर्स लगाना पड़ेगा अपने हेलमेट के लिए। अब वही जा रहा हूँ, देखता हूँ घर जाकर कुछ जुगाड़ लग सकता है, माइक का तो नहीं लगता, तो भाई कोई बात नहीं, कल फ़ोन से लॉक करेंगे सिर्फ, तो देखते हैं क्या हो सकता है। भाई यहाँ पे स्टिकर लगवा रहे हैं हम अपना यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम के साथ मैं इस साइड लगवाऊंगा साइड में, और यूट्यूब का पीछे आपको लगवाने के बाद दिखाऊंगा। का बहुत बुरा हाल हुआ भाई, इंटरकॉम वगैरह सब लग गया, बस माइक रह गया, अब उसको घर जाकर ठीक करूँगा दोबारा। चला तो ठीक है, बड़ा कल संडे राइड ऐसी ही जाएगी भाई, फ़ोन से करना पड़ेगा रुक के। भाई ये लगवाया अपना इंस्टा का स्टिकर मैंने यहाँ पे, थोड़ा मुझे लग रहा है रेड करवाना चाहिए था, बाकी देखो बैक का तो ये अपना यूट्यूब का सही लग रहा है, वैसे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये अपना इंटरकॉम, ये भाई यहाँ से निकल रहा हूँ अपने करोल बाग से, मेरा माइक ख़राब हो चुका है तो यार ब्लॉग नहीं है, इसके बाद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँ कैमरे से, तो यार उसके लिए सॉरी। घर जाके देखते क्या दिक्कत है, क्योंकि कल सुबह 5 बजे निकल जाना मुझे राइड के लिए अपनी बाइक के साथ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, घर जाते बहुत कम टाइम है। सो गाइस यार मैं घर पे आ गया था, जस्ट अभी पहुँचा हूँ, बस मैंने कहा यार ब्लॉग एंड नहीं करा क्योंकि मेरा माइक काम नहीं कर रहा है उसका हेलमेट का, इसको मैं अभी देखता हूँ क्या दिक्कत है, और बालों का हाल देखो क्या हो गया यार। सो व्हाट्स अवर गाइस, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।